जय बजरंग बली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस्टॉक पे। आज मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट पे आया हूँ जो हर कस्टमर की चाहत है। हर कस्टमर क्या चाहता है, जहां पे भी मैं घर लूँ वहां की लोकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। मतलब कि मैं घर से निकलूँ अपने ऑफिस के लिए तो मेरे को बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं चाहिए, तो आपको यहाँ मिलेगा। जी हाँ। और सेकंड थिंग जो माइंड में हर बंदे के होता है कि सिक्योरिटी, मैं जिस भी सोसाइटी में लूँ वहाँ की सिक्योरिटी सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। और फिर जब मैं थक हार के अपने घर वापस आऊँ तो एक डायलॉग है ना, घर ऐसा लो जहाँ आने का मन करे। जी हाँ, वो डायलॉग इस प्रोजेक्ट पे बिल्कुल सुटेबल होता है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लब हाउस, यहाँ पे एमिनिटीज, सब कुछ लग्जरी मिल रहा है। और ये बिल्कुल एक थीम पे है। जापान का नाम सुना आपने? तो ये पूरा का पूरा एक ऐसे सोसाइटी है, जैपनीज थीम पे बेस्ड है। जी हाँ, वाटरफॉल रेसिडेंस के नाम से प्रोजेक्ट है। सेक्टर 36A ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे, जो आपको फ्रंट मिल रहा है वो द्वारका एक्सप्रेसवे मिल रहा है। और आपको वहाँ से SBR की कनेक्टिविटी भी मिल रही है, एयरपोर्ट की भी कनेक्टिविटी मिल रही है। और चारों ओर, मान लीजिए मैं, मेरा ये प्रोजेक्ट है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, चारों ओर आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिलेगी। ग्लोबल सिटी, कमर्शियल हब, एयरपोर्ट कनेक्शन, SBR कनेक्शन, हर एक चीज़ आपको इस प्रोजेक्ट पे मिलेगा। और जो यहाँ पे सैम्पल फ्लैट बनाया है, इसका मैं टूर भी अभी आपको करवाऊँगा, बिकॉज आपको मैं एक एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। और लास्ट में मैं और आप दोनों साथ मिलकर एक चीज़ बोलेंगे, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। चलिए सबसे पहले मैं आपको बिल्डर का बैकग्राउंड के बारे में बता देता हूँ, ताकि आपको बिल्डर का बैकग्राउंड पता रहे। ये एक जॉइंट वेंचर कंपनी है। वैसे ओवरऑल इसका जो नाम है वो क्रिसुमी कॉरपोरेशन है। यहाँ पे दो कंपनियाँ हैं, काफ़ी बड़ी कंपनियाँ हैं जो मिल के काम कर रही है। पहला तो कृष्णा, जी हाँ, और दूसरा सुमिटोमो। ये दो कंपनियाँ मिल के बहुत अच्छा आपको कंप्लीट प्रोजेक्ट देने वाले हैं, बिकॉज जो ये कंपनियाँ, इनका जो बैकग्राउंड है ये काफ़ी बड़े लेवल पे है। जी हाँ, इन्होंने काफ़ी वर्किंग करा है, और भी इंडस्ट्री में ये फैली हुई है। तो इनके जो, अगर कस्टमर्स की बात करूँ तो बहुत बड़े बड़े ब्रांड कस्टमर्स हैं। और रियल एस्टेट में कोई नए नहीं है, इन्होंने पहले भी वर्किंग करा हुआ है, चाइना में, इंडोनेशिया में, US में इन्होंने डिलीवर करा हुआ है प्रोजेक्ट। यस, मैं आपको स्क्रीन पे भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन भी सारी चीज़ें दे दूंगा ताकि आप जान सको। और मैं आपको इनकी वेबसाइट का लिंक भी दूंगा कि आप एक एक चीज़ सही से उसका होमवर्क कर सको। बिकॉज आप इस वीडियो के बाद आपका, मैं बिल्कुल ही, मतलब ऐसा मन होने वाला है ना कि इस प्रोजेक्ट में आकर आप पहले तो विजिट करेंगे, सेकेंड आप हमारे RM से बैठ के डिस्कस करेंगे, और थर्ड आप क्लोज कर देंगे। ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है 65 एकड़्स में। जी हाँ, उसमें से एक पार्ट है 5 पॉइंट समथिंग एकड़्स में, जिस प्रोजेक्ट का नाम है वाटरफॉल रेसिडेंस, जिसके लिए आज हम आए हैं। इनकी अपकमिंग प्रोजेक्ट भी दिखाऊंगा मैं आपको। और यहाँ पे जो वाटरफॉल रेसिडेंस है, यहाँ पे 3 टावर्स है, A, B and C, वो तीनों की पूरी डिस्क्रिप्शन भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ताकि आपको एक एक चीज समझ में आ जाए। यहाँ की क्लब हाउस दिखाऊंगा मैं आपको, लग्जरी एमिनिटीज के बारे में बताऊंगा, और क्या क्या अंदर मिल रहा है, कितने लिफ्ट है, कितने फ्लोर्स हैं, और फ्लोर्स के अंदर क्या चीज़ें हैं, कितने अपार्टमेंट है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको सही से समझ में आने वाली है। और ये वो वाटरफॉल रेसिडेंस है, इसने अपने नाम को भी बहुत अच्छी तरह से, मतलब कि कहते हैं ना कि वेरीफाई करा है यार नाम, अगर नाम इन्होंने वाटरफॉल रखा है तो ऐसा ही थीम आपको यहाँ पे कंप्लीट मिलने वाला है। सो गाइस, लेट्स हैव अ टूर। मैं आपको सैंपल फ्लैट दिखाता हूँ, और ये है 3 BHK। नहीं, यहाँ पे BHK नहीं बोला जाता है, यहाँ पे बोला जाता है LDK, लिविंग डाइनिंग एंड किचन। 3 LDK प्लस ST। ST मतलब यहाँ पे आपको, या तो आप उसको स्टोर रूम कर लो, या फिर आप उसको स्टडी रूम कर लो, या फिर आप उसको सर्वेंट रूम बना लो। तो यहाँ पे आपकी कस्टमाइजेशन चलेगी। और एक एक चीज़ बताऊँगा क्या चीज़ें यहाँ पे मिल रही है आपको, वुडन फ्लोरिंग कहाँ पे है, आपको क्या इंटीरियर में मिल रहा है, किचन में क्या पार्ट मिल रहा है, लिविंग में क्या पार्ट मिल रहा है, कहाँ क्या है, वो सारी चीज़ें अभी मैं आपको सैंपल फ्लैट में दिखाता हूँ। तो लेट्स हैव अ टूर। वाटरफॉल रेसिडेंसेस क्रिसुमी सिटी, इसका यहाँ पे सैंपल फ्लैट है, आप देख सकते हैं। और ये कंप्लीट है 3 LDK, जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ पे BHK नहीं बोला जाता है, यहाँ पे लिविंग डाइनिंग एंड किचन। ST में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे सर्वेंट रूम, स्टोर रूम या स्टडी रूम, आप इन तीनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। साइजेस यहाँ पे मेंशन है, जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ सैंपल फ्लैट। किचन में आपके पास ऑप्शन है, ओपन ले सकते हो, क्लोज ले सकते हो। बेडरूम में, ये फर्स्ट बेडरूम के लिए है, आप या तो उसको रूम में कन्वर्ट करा लो, या उसको TV लॉन्च में करा लो। यहाँ पे जो आपको सैंपल फ्लैट मिल रहा है, वहाँ पे TV लॉन्च है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स हैव अ टूर। ये आपका एंट्रेंस है,
डाइनिंग एरिया, लिविंग एरिया। ये देखिए आपको प्रॉपर यहाँ से समझ में आएगा, जब आप आते हो घर के अंदर एंट्री करते हो तो आप देखो सामने आपको एंट्रेंस लॉबी के साथ यहाँ पे डाइनिंग एरिया मिल रहा है, यहाँ पे आपको लिविंग एरिया मिल रहा है, सामने आपको ओपन किचन है, आप क्लोज भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है आप किस ऑप्शन को यहाँ पे देखते हो, क्लोज या ओपन। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए इस एरिया के साथ आपको यहाँ पे रनिंग बालकनी मिल रही है यहाँ पे, और रनिंग बालकनी देखिए क्या यूज़ बालकनी, 56 फीट की आपको ये पूरी रनिंग बालकनी मिल रही है जो आपके लिविंग से अटैच है, आपके फर्स्ट बेडरूम या कहें टीवी लॉन से अटैच है, सेकंड बेडरूम और लास्ट में थर्ड बेडरूम से सब चीज़ें अटैच है, आपको पूरी रनिंग बालकनी मिल रही है। यहाँ से आपको व्यू जो मिलने वाला है वो द्वारका एक्सप्रेस वे का मिलेगा, या फिर आपको पूरी पूरी ग्लोबल सिटी दिखेगी, बहुत ही अमेजिंग है। ये जो आप देख रहे हैं टीवी पैनल जहाँ पे लगा हुआ है, यही आपका फर्स्ट बेडरूम भी हो सकता है, और आप चाहे तो इसको टीवी पैनल लॉन्च में भी कन्वर्ट करा सकते हैं। साथ से आप यहाँ पे देख सकते हैं मॉड्यूलर किचन, ये ओपन मॉड्यूलर किचन है, आपको अंदर से दिखाते हैं, आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आपको गेट दिया गया है, यहाँ से पासिंग है आपके स्टोर रूम्स में, या आप उसको स्टडी रूम बनाएं या फिर आप उसको सर्वेंट रूम बनाएं, तो यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा एंट्री। यस